तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परमजीत सिंह वालिया है और आज के जबरदस्त सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से 2.5 साल पहले मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज अपनी लाइफ को 360 डिग्री तंग कर चुका हूँ। उस साथ के साथ दोस्तों, कई लोगों की लाइफ जो है चेंज हो चुकी है। आज की भागा दौड़ी जिंदगी में टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी बॉडी और हमारे हेल्थ के ऊपर कई तरह की रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो उस हार्मफुल इफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हमारे साथ एक बड़े ही एक्सपर्ट जो आए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ तो चेंज की है और अपनों के साथ साथ कई हजारों लोगों की जो है लाइफ चेंज कर चुके हैं, बाय हेल्थ बाय वेल्थ। सो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेज सुग्रामी जी को। सो व्हाट डू यू मैम? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच परमजीत जी। आप सबका हार्दिक दिल से आज स्वागत है मेरा, राइट? एंड आज का एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। आज ये एक ऐसा सेशन है जिसको मैं कह सकती हूँ ये एक साइलेंट किलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये साइलेंट किलर क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, हम आगे आपको लेकर जाएंगे। पर उससे पहले मैं दोबारा फिर वापस परमजीत जी को हैंडओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। सो आज मैम मेरे कई अजीज दोस्त जो आपसे मिलना चाहते हैं, गेस्ट हैं, सो उनको मैं वन बाय वन इनवाइट करता हूं। सो उनको मैं बोलना चाहूंगा आपका नाम, ऑक्यूपेशन एंड वन हॉबीज बताइए। तो सबसे पहले इनवाइट करता हूं कस्तूरी जी को। सो ओवर टू यू मैम। नमस्ते जी, थैंक यू परमजीत जी। मेरा नाम कस्तूरी है एंड मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरा हॉबी है, आई लव डूइंग गार्डनिंग, बहुत पसंद करती हूँ मैं। वाओ, वेलकम कस्तूरी जी, आपको गार्डनिंग पसंद है और मेरा भी शौक गार्डनिंग ही है, तो वेलकम आज के सेशन में। थैंक यू मैम। सो मैं एक और अपने अजीज दोस्त को बुलाना चाहूंगा, जसप्रीत कौर जी को। सो व्हाट डू यू? थैंक यू सो मच परमजीत जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत कौर वालिया है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी फेवरेट हॉबी है कुकिंग करना। थैंक यू सो मच। वेलकम 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 जसप्रीत जी, ऑल द बेस्ट टू यू। तो एक और मेरे अजीज दोस्त हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा, समझ जी। समझ जी, ओवर टू यू। सर वो ड्यू टू सम इमरजेंसी ही हैड टू लीव। ओके ओके, इट्स ओके सर। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, इस रेडिएशन से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सो दोबारा से आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस सुग्रामी जी को। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके गेस्ट को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। डेफिनेटली आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। इसे हम कहते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्या है ये? आज तक हम समझते थे कि पोल्यूशन ही हमारे लिए एक हानिकारक चीज है। हम जानते हैं पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, राइट? और हम समझते थे कि ये जो एयर पोल्यूशन ही है जो हमको सारी बीमारियों का की जड़ है। ये एयर पोल्यूशन तो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करता है, पर दोस्तों एक और साइलेंट किलर है जिसके बारे में हम जानते भी अनजान बनना चाह रहे हैं। इसको हम यही सोच रहे हैं हमारे तक तो नहीं आएगा, इट्स नॉट फॉर मी, राइट? और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे मोबाइल्स, हमारे घर में हर वो साधन जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे एलईडी लाइट्स, टीवीज, माइक्रोवेव्स, हर चीज, इवन अ वॉशिंग मशीन दैट यू यूज, फैन अगर आप स्विच ऑन करते हैं, स्विचेस आप स्विच ऑन करते हैं, हर चीज से हम घिरे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही हमारे हेल्थ को और हमारे एनवायरमेंट को स्पॉइल कर रही है। पर दोस्तों इसको कंटिन्यू करने से पहले, मैं क्यों इतनी पैशनेट हूं इस सब्जेक्ट को लेके, मैं क्यों चाहती हूं कि सारी दुनिया में पता चले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इतना हार्म क्यों हमारे लिए हो रहा है और हम बच कैसे सकते हैं। यस, बच सकते हैं दोस्तों, कैसे हम बचें यही जानने के लिए, राइट, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ रही हूं, पर उससे पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। Why am I so passionate? Why is it that electromagnetic radiations के लिए मैं सारी दुनिया में webinars कर रही हूँ, सबको बता रही हूँ, why? ठीक है, पर मेरे बारे में पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम सोग्रा अमीन है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी,
राइट आज न केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बात करती हूँ, पर आज मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज की है। वजह क्या थी? मैं अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, बहुत अच्छे घराने में, इकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, आलीशान कोठी जैसा मकान, एक ऐसा बिजनेस जहां पे बोरियों में पैसा आता था, टॉयज से रिलेटेड बिजनेस, एशिया के ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉय स्टोर। पर अचानक से आज से 25 साल पहले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से, और डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 15 साल का समय दे दिया। दोस्तों उसी समय राइट मुझे पता चला कि एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं जहां पे न केवल हमारी हेल्थ से रिलेटेड नेचुरल वे में हम घर में यूज करके बहुत फायदे कमा सकते हैं। और मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए डॉक्टरों का जो 15 साल का समय दिया था राइट उसको मैंने काउंटर किया है। और सबसे बड़ी देन थी ऐसा प्रोडक्ट जो रेडिएशन से बच सकता है, और मेरे हस्बैंड के ब्रेन हेल्थ में बहुत सारा फायदा मिला। उनको हमेशा थकावट होती थी, उनके ब्रेन में सुकड़न सी हो रही थी, और दोस्तों उनका आने वाले समय में चलना फिरना मुश्किल था। पर इन्हीं प्रोडक्ट्स को, इन्हीं रेडिएशन से बचते बचाते मैंने अपने हस्बैंड को जिंदगी दी है। तो इसीलिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, आगे चलती हूँ मैं लेकर वाई वाई वाई। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ रेडिएशन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होता है दोस्तों? आप देखिए, हम हर समय राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। ये आप देखो, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे ये रेडिएशंस आपके बॉडी में उतरते चले जाएंगे, आपके हेडेक्स, आपको चिड़चिड़ापन, आपके थकावट राइट, और स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं। और जैसे जैसे ये होता है, आपको पता है स्ट्रेस इज अ किलर अगेन राइट। और फिर धीरे 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 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी से हमें पता चला है कि ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। आप सोच के देखिए, कैंसर, ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी राइट। और ये जब बीमारियां आपके घर में आते हैं, किसको इफेक्ट करता है? सिर्फ वो जिसको इफेक्ट हुआ है? नहीं, आपकी पूरी फैमिली तहस नहस हो जाती है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाते हैं। और आप देखिए ये सारे फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ क्या होता है। आज हम छोटी सी एक बीमारी कोरोना से कितना जूझ रहे हैं, लोगों की इनकम्स खत्म हो गई हैं, लोगों के हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, पर हम इतना बड़ा जो रेडिएशंस हमारे पीछे एक साइलेंट किलर की तरह खड़ा है, हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों एक और चीज मुझे पता चली उसी समय राइट, ये रेडिएशंस की वजह से ही राइट इनफर्टिलिटी हो रही है। आप देखिए, लोगों की शादी होती है 5 साल 10 साल, आजकल यू नो इट्स नॉट इजी टू कंसीव फॉर देम। आज स्पर्म काउंट्स में रिडक्शन हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, हर दिन एक आईवीएफ क्लिनिक खुल रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड वाइड मैं ये बात कर रही हूँ। एक डेटा देती हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स देती हूँ, दुनिया में 750 करोड़ लोग बसते हैं, पर उसमें 800 करोड़ यू नो मोबाइल कनेक्शंस है। और अगर हम हमारे देश इंडिया की देखें, 130 करोड़ जनसंख्या में 100 मोबाइल कनेक्शन, सॉरी 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं राइट। आप देखिए ये क्या होगा आने वाले समय में, 1:1 का प्रोपोर्शन होने जा रहा है। तो आप देखो कहां से कहां हम पहुंच रहे हैं। हर घर में फैन, हर घर में एलईडीज, हर घर में माइक्रोवेव, हर घर में आपके पास कंप्यूटर्स है, राउटर्स है, वाईफाई है, वॉशिंग मशीन्स है। हम घिर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। दोस्तों हमें बचना चाहिए। आप देखिए वर्ल्ड वाइड एक स्टडी की गई थी जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां उनको मिली। तो आज बड़े बड़े देश जैसे आपका कैनेडा है, यूएसए है, इन्होंने तो अपने मोबाइल रेडियो, मोबाइल जब सेल होते हैं उनके बॉक्सेस पे एक वार्निंग लिख दी है कि इससे शायद आपको कैंसर हो सकता है राइट। और फिर एक और चीज मैं बता रही हूँ, उस पे ये भी लिखा गया है कि अगर आप अपने बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। इटली, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, हर एक ने अपने अपने स्कूल्स और जहां पे भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे वाईफाई और मोबाइल्स को बैन कर दिया है।
इतना सारा अगर प्रॉब्लम है तो क्यों दिन ब दिन मोबाइल्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं? लॉन्च तो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी है राइट, पर मोबाइल कंपनीज भी, पहले तो हमें एक मैनुअल मिलता था जिसमें स्टैचुरी वार्निंग होता था, पर आजकल ये स्टैचुरी वार्निंग ये लोगों ने, मोबाइल कंपनीज ने, अगर आप आपके मोबाइल की सेटिंग्स पे जाओगे उसमें रहेगा। पहली वार्निंग होती है कि आपको मोबाइल फोन्स को कम अज कम यू नो ओनली 6 मिनट्स इन एन आवर आपको यूज करना है। दे डोंट से टॉक करना है, दे से यूज करना है, यानी टेक्सटिंग, व्हाट्सएप, हर चीज इसमें शामिल होती है। फिर कहते हैं टेक्स्ट मोर टॉक लेस। और फिर एक और चीज होती है कि आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो 25 mm की दूरी पर रख के मोबाइल को यूज करें, यानी हाथ भी नहीं लगाना है। कैसे यूज करें राइट, सोच के देखिए। और कहते हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करना ही है तो आप एक वायर्ड हेडफोन हेडसेट पे आप यूज करें, ब्लूटूथ भी नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ के ट्रांसमीटर्स आपके कान में जाते हैं और आपके ब्रेन से करीब है, आपको ब्रेन ट्यूमर्स भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर्स भी होने के चांसेस हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स रखते हुए हम क्या करें दोस्तों? मोबाइल्स के बिना तो हमारी जिंदगी ही अधूरी है, मोबाइल्स के बिना हम काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें? सोच के देखिए राइट। तो आज जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूं वो है मोदी केयर। प्राउडली मैं बता रही हूं मोदी केयर है, जिसका जन्म 1933 में मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने किया था और 1996 में मोदी केयर का जन्म हुआ था दोस्तों राइट। ये स्टार्ट हुई थी 1933 में मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब जो पहले मोदी केयर का निर्माण मोदी ग्रुप का निर्माण करे थे, शुगर मिल के साथ बहरामपुर में शुरू किया गया था। उन्हीं के बेटे मिस्टर के मोदी ने 90 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इस बिजनेस को फैलाया। उनके बेटे समीर मोदी जी जो आज एक बहुत बड़े विजनरी हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हर घर में सेहत और आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम लाया जाए। ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है। और क्या प्रोडक्ट है जिससे हम ये रेडिएशन से बच सकते हैं दोस्तों? और वो है हमारा अगर हम देखें तो ये है हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, हमारे अपनों की, हमारे अजीजों की जिंदगी को बचा सकते हैं इस मोदी केयर एनवायरो चिप के साथ। फ्रेंड्स, ये एक चिप है, करता क्या है राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये रेडिएशंस को खत्म कर देता है, नहीं। अगर रेडिएशंस को खत्म कर दे तो हमारे मोबाइल्स कैसे चलेंगे? ठीक है, ये एनवायरो चिप, पहले मैं बता रही हूं मोबाइल्स से, ठीक है, ये मोबाइल्स के लिए है। तो आपको क्या करना है, ये आपको ये एक चिप मिलेगा, आपके स्टिकर है इसके पीछे, स्टिकर को निकालिए और इसको आप मोबाइल के पीछे सेंटर से थोड़ा ऊपर आप इसको स्टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब कैसे आप सेफगार्ड करोगे? ऐसा तो नहीं है कि रेडिएशंस नहीं आएंगे, रेडिएशंस आएंगे, पर ये चिप में कुछ नेचुरल इनर्ट मटेरियल है जिससे क्या होता है कि मोबाइल जो EMR है राइट, जो रेडिएशंस का वेव है, कॉन्स्टेंट वेव होता है, उसको रैंडम में तब्दील कर दिया जाता है। अब इसको मैं एक लेमेंस लैंग्वेज में समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए, जब वेव्स के रेडिएशन निकलती हैं तो ये ऐसी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। अब आप जब ये मोबाइल एनवायरो चिप आप लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये रेडिएशन रैंडम में बदल जाएगा। कभी आपने अपनी ECG या MRI देखा है राइट? तो फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टेंट से रैंडम में कन्वर्ट हो जाती है। मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाती, पानी की बूंदे हैं, हर दिन पानी की बूंदे टप 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 पत्थर पे गिर रही है, क्या होगा, पत्थर को भी तोड़ सकती है। अब वही रेडिएशंस बार 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 आपके बॉडी में एक ही जगह मार रही है, क्या होगा, आपके ऑर्गन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आप मोबाइल को अगर पॉकेट में रखते हैं तो हार्ट राइट, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं विमेन में राइट, और अगर हिप पॉकेट में रखते हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्पर्म काउंट रिडक्शन, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स मेन में हो रहे हैं, दिख रहा है आजकल, पर हम इसको अनदेखा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल रेडिएशन इज
वेरी वेरी हार्मफुल टू अस. अगर बचना है, दोबारा मैं कह रही हूँ, हमें ये मोबाइल रेडिएशन चिप यूज करना है. अब दोस्तों बात ये आती है कि मोबाइल रेडिएशन चिप तो हमें यूज करना ही करना है, बट इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, कैसे हम प्रूव करें? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब एक सवाल है मेरा कि आप लोग सब मोबाइल्स तो खरीदते हो, आजकल मोबाइल्स 1 लाख 1.5 लाख के भी हो रहे हैं, पर इसका क्या होगा? आप सोच के देखिए, जब आप मोबाइल लेते हैं तो पहली चीज आप क्या करते हो, पहले उसके पीछे का एक कवर, फिर सामने एक प्रोटेक्शन गार्ड. 2-2.5 हजार रुपए तो आप खर्च ही कर देते हो उस मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए. मान लीजिए वो मोबाइल आपके हाथ से गिर जाए, क्या जो आपको वो सारी साधन दिए थे मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो गारंटी देता है कि आपका मोबाइल बचेगा? जवाब दीजिए आप ही, नहीं, ठीक है? पर मोदी केयर एनवायरो चिप आपको मैं बता रही हूं, इट इज गारंटीड, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस पे काम किए गए हैं, बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं. अब आप देखिए यहाँ पे हमारी पैकेजिंग पे हमने सारा डाल दिया है, राइट? इट इज टेस्टेड बाय मैक्स हेल्थ केयर. मैक्स हेल्थ केयर, इमेजिन, राइट? मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, AIIM. AIIM का तो कहना है कि अगर आप ये मोबाइल रेडिएशन चिप आपके मोबाइल्स में लगाते हैं, टेस्टेड है, राइट, कि आपका स्ट्रेस लेवल 5% नीचे होगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी. इस समय हमें इम्यूनिटी की भी बहुत जरूरत है, तो सोच के देखिए. कहते हैं कि 3 साल लाइफ बढ़ सकती है बाय जस्ट रिड्यूसिंग 5% आपका स्ट्रेस लेवल, राइट? फिर इट इज सर्टिफाइड बाय डीबी टेक्नोलॉजी यूके. इट इज रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए. ये सब इसी पे लिखा है. अब दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, दिस इज सीई सर्टिफाइड. ये भी हमारी पैकेजिंग पे लिखा है. ये सीई सर्टिफाइड क्या होता है? सीई सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल गारंटी होती है कि आपका प्रोडक्ट द बेस्ट है, राइट? जैसे हमारे आईएसआई सर्टिफिकेशन वगैरह इंडिया में होते हैं, ये इंटरनेशनली दी जाती है. और फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आज सीई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, क्योंकि ये वेरी रेयरली मिलता है, बहुत सारे टेस्ट्स के बाद मिलता है. और ये सीई सर्टिफिकेशन वी आर प्राउड टू से मोदी केयर के एनवायरो चिप को मिला है. दिस इज द बिगेस्ट ऑथेंटिसिटी से ये आपके लिए काम करता है, राइट? तो दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी यूजिंग दिस. मेरी फैमिली को तो बहुत सेहत मिली है, चिड़चिड़ापन दूर हुआ है मेरी फैमिली में, एक खुशहाल जिंदगी हम जीते हैं, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, पता नहीं क्यों. आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, और मैं इसीलिए बार 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 इस प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ और इसको रेकमेंड करती हूँ. अब दोस्तों बात आती है, राइट, हमारे लैपटॉप्स का हम क्या करें, ठीक है? मोबाइल्स तो है, उससे रेडिएशन वी हैव काउंटर्ड दिस, लैपटॉप्स का क्या करें, ठीक है? तो हमारे लिए लैपटॉप्स के लिए भी एक एनवायरो चिप है. हमारे पास ये 3 पीसेस होते हैं, 1 बड़ा और 2 छोटा. ये बड़े वाले को आप आपके लैपटॉप के ऊपर सेंटर में लगाओगे, और ये 2 आपको लगाना होता है नीचे लैपटॉप के, ऑन 2 एंड्स, ठीक है? तो आपके लैपटॉप से रेडिएशंस जो निकलते हैं ना, उससे भी बच सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, लैपटॉप्स की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप बड़े बड़े कंपनीज, एप्पल ले लो, डेल ले लो, एचपी ले लो, अगर उनके मैनुअल्स पढ़ोगे ना, वहां पे क्लियरली लिखा है लैपटॉप इज नॉट फॉर लैब. लैपटॉप को कम अज कम 2.5 से 3 फीट दूरी पे रख के हमें काम करना है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल सकते हैं, जिससे आपको हानि पहुंच सकती है. जब लिखी जा रही है, कितने लोग हैं जो इन मैनुअल्स को पढ़ते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए, इसके लिए आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब बात आती है कि अगर हमारे पास टैबलेट्स हैं, राउटर्स हैं, तो हम क्या करें? ये टैबलेट्स और राउटर्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं, और क्यों करना चाहिए? टैबलेट पे भी एक लिखा है कि आपको टैबलेट्स के लिए एक काम करना है. अपने बच्चों को तो हम देते ही देते हैं टैबलेट्स, मोबाइल्स, सब कुछ हम दे रहे हैं, पर टैबलेट्स में लिखा गया है कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो डाउनलोड करिए जो भी उन्हें देना है, उसको एरोप्लेन मोड पे डालिए, और फिर आपका काम करने लगे. तो फ्रेंड्स, आप देखिए,
हर एक चीज पे वार्निंग है, पर हम सारे वार्निंग्स को पढ़ते भी नहीं है, अनदेखा कर रहे हैं, राइट? तो हमारे राउटर्स के लिए, हमारे टैबलेट्स के लिए भी मोदी केयर ने लाया है सीई सर्टिफाइड मोबाइल रेडिएशन चिप बाय मोदी केयर, राइट? तो सोच के देखिए। अब बात आती है, मैंने आप पूछोगे कि मैम आपने तो मोबाइल्स का बता दिया, लैपटॉप का बता दिया, राउटर्स और हमारे टैबलेट्स का बता दिया, अब जो घर में एलईडी सब कुछ है उसका क्या करें? फ्रेंड्स एक चीज मैं बता रही हूँ, मोदी केयर अगर केयर करता है ना, इन डेप्थ जाके आप सबकी केयर करता है, राइट? तो मोदी केयर ने लाया है एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ आपके घरों में हर एक साधन से बचने का, आप घिरे हुए हो मोबाइल रेडिएशन से, उससे बचने का, और वो है हमारा एनवायरो ग्लोब। जब हम एनवायरो ग्लोब की बात करें, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, यू नो इट्स लाइक एन आर्टिफैक्ट इन योर ड्रॉइंग रूम, आप रख सकते हो, लोग देख के पूछेंगे ये क्या है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एनवायरो ग्लोब है और ये आपको 350 स्क्वायर फीट के रेडियस में कोई भी रेडिएशन है तो इससे आप बच सकते हैं। मैंने बताया था मेरे हस्बैंड को बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, मैंने ये एनवायरो ग्लोब अपने हस्बैंड के बेड साइड पे रखना शुरू कर दिया, हर रूम में मैं रखती हूँ, राइट? तो हम हमारे घर में बहुत सारी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, राइट? हम खुश हैं, सुकून से हैं। और दोस्तों एक बात मैं बता रही हूँ, आज बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, हम मोबाइल्स को इतनी आसानी से बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जिद करते हैं, तो हम बच्चों को भी दे देते हैं, राइट? तो अब एक ही बात मैं कर रही हूँ, सिगरेट जिस जितना हानिकारक है बच्चों के लिए, मोबाइल उतना ही हानिकारक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, रेडिएशन उतने ही हानिकारक है, हमारे बच्चे तो पांच गुना और डेलिकेट है उनका ब्रेन, तो उनको पांच गुना ज्यादा ये रेडिएशन इफेक्ट करेगा। बच्चे खाना नहीं खाते तो हमें दुख होता है कि वो खा नहीं रही है, चलो एक कार्टून ही लगा के दे देते हैं, मोबाइल्स दे देते हैं, वो खा लें, कुछ भी करके हम उनको खिलाते हैं, पर उनके लिए कितना उनके हेल्थ से हम खेल रहे हैं बच्चों के। तो फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहूंगी, राइट, कि हमें हर हाल में यूज करना है एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप ऑन योर मोबाइल्स, वी हैव फॉर लैपटॉप्स एंड वी आल्सो हैव फॉर आर राउटर्स एंड वाईफाईस। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया है, पर सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं अगर आप एनवायरो चिप गूगल करते हैं, ठीक है? ऑथेंटिसिटी है, और प्लीज रिस्क मत उठाइए अपनी लाइफ से, रिस्क उठाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। थोड़ा मोदी केयर के बारे में भी आज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मोदी केयर ने हेल्थ से ही नहीं, मुझे वेल्थ से भी अब मेरी लाइफ में खुशियां भर दी है, तो डेफिनेटली थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस उसमें भी मैं शेयर करना चाहूंगी। जब मैं मोदी केयर के बारे में बात कर रही हूँ, ये बेसिकली एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत करे थे मिस्टर समीर मोदी जी, जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है और एक बहुत बड़े विजनरी है, राइट? आज मोदी केयर डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आया है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग है क्या? जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं, डायरेक्ट मार्केटिंग आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? डायरेक्ट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड 179 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो इंडिया में ये 25 साल पहले आया, आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, आने वाले समय में विद इन 2025 ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानना तो अनिवार्य है। आज मोदी केयर के बारे में मैं बताऊं, ये इंडिया की नंबर वन एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट मार्केटिंग है, एंड द फर्स्ट कंपनी टू कम इनटू इंडिया, द पायनियर्स टू ब्रिंग डायरेक्ट मार्केटिंग इनटू इंडिया इज मोदी केयर। अब मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर है क्या, ये कैसे इसका सिस्टम चलता है, चलिए वो देखते हैं। आज हम सुबह उठते हैं तो सुबह से रात तक हम टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, फ्लोर क्लीनर्स, डिशवॉशिंग सॉल्यूशंस, फिर मिर्ची मसाले, तेल, घी, चाय की पत्ती, थोड़ी कॉस्मेटिक्स, फिर थोड़ा वेल्स, थोड़े सप्लीमेंट्स, हम ये सारे प्रोडक्ट्स लेते ही लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? किसी न किसी स्टोर से लेते हैं।
स्टोर कीपर क्या करता है, किसी ना किसी होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर लेता है, यू नो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली क्या होता है, आप एज अ कंज्यूमर 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर 35 रुपए में ये मैन्युफैक्चर करता है, और 65 रुपीज जो मिडलमैन के होते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट एंड मॉडल्स, इनकी पॉकेट में जाता है। हर महीना आप वो प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, हर महीना किसी और को पैसे वाला बना रहे, पर आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वहां पे कोई मिडलमैन नहीं होता है, मिडलमैन को हटा दिया जाता है और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाती है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को 100 रुपए में प्रोडक्ट देता है, 35 रुपीज में मैन्युफैक्चर कर रहा है, पर जो 65 रुपीज जो मैन्युफैक्चर बचा लेते हैं, कंपनी कस्टमर से पूछती है, आप जैसे कंज्यूमर्स को पूछती है, क्या आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे, राइट? और जब आप यस कहते हैं तो ये 65% पैसा भी हम और आप जैसे लोगों के पॉकेट में चला जाता है। ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब फ्रेंड्स, कोई भी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं तो उनको एक यूनिक कोड नंबर मिल जाता है, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर सकते हो, यानी आप ऑल ओवर इंडिया इस बिजनेस को कर सकते हो एक जगह बैठे बैठे, राइट? तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, आपको क्या करना होता है, 3 काम करना होता है, प्रोडक्ट यूज करना होता है, प्रोडक्ट शेयर करना होता है, अपॉर्चुनिटी को और लोगों में शेयर करिए, जिसको भी आप केयर करते हैं उनको टच करिए, उनकी लाइफ में एक वेल्थी जिंदगी जीने का आप मौका दे सकते हैं, ठीक है? और हमारे पास सुबह से लेके शाम तक यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए, जो मैंने बताया था, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास तकरीबन 650 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक था एनवायरोचिप एनवायरोग्लो, ठीक है? तो हमारे पास 14 कैटेगरीज में प्रोडक्ट है, 650 SKUs है। आपको क्या करना है, आप घर के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, राइट? तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एज अ कंज्यूमर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको 15-20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, फिर आपको कैशबैक मिलता है, आपको 7-16% तक का कैशबैक मिलता है, फिर हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। अगर आप 1,000-5,000 rupees का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जो भी आपका इनवॉइस वैल्यू होता है उसका 10% का प्रोडक्ट फ्री में आपको 1 rupee में आपको दिया जाता है। और एक और प्रोग्राम है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी एक्सप्रेस। इस लॉयल्टी एक्सप्रेस में क्या होता है, अगर आप एक लॉयल कंज्यूमर हैं मोदी केयर के, हर महीना आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं लॉयली मोदी केयर के, आपने क्या किया, सिर्फ ब्रांड बदला, आपकी दुकान बदली, ठीक है? तो क्या होगा, आपको आप 6 महीने ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर 1,800 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 80% का आपको वैल्यू का प्रोडक्ट, जो आपके 6 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, उतना प्रोडक्ट आपको फ्री में आपकी चॉइस का दे दिया जाता है। और दोस्तों, वही चीज अगर आप, राइट, अगर आप 2,500 का लेते हैं तो 6 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, 120% का प्रोडक्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स अवेलेबल हैं जिससे आपका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 50% पड़ेगा, राइट? और इन्हीं ऑफर्स को यूज करते हुए आप अपने और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में इसको रेकमेंड कर सकते हैं, इन सारे ऑफर से उनको भी बता सकते हैं कैसे आप बचत कर सकते हैं, और इसी से क्या होगा, आपका आपके साथ आप अपने अजीजों को भी इस बिजनेस में लाते हैं। सिर्फ अपनी दुकान बदलते हैं हर कोई, और जो भी प्रोडक्ट परचेस हो रहा है उनको भी ये सारा ऑफर्स मिलेंगे और उनकी परचेस पे आपको भी कमीशन मिलेगा। और साथ में धीरे 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 क्या हो गया, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आप अच्छे लेवल्स भी आपको मिलने लगेंगे। देखिए, हमें कितना अच्छा लगता ना जब हमें कोई एक टाइटल से बुलाता है, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कितना अच्छा लगता है वो टैग जब हमें मिलता है। ऐसे ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है? पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको ना फ्रेंड्स सिर्फ पैसा मान सम्मान ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी लाइफस्टाइल मिलती है। हर साल 7,000 लोग मिनिमम फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, हर दिन 5 गाड़ियां मोदी केयर से मिल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हत्ता की पोर्शे तक कार मिल चुकी हैं हमारे लोगों को, ठीक है? और दोस्तों, यही नहीं, आप घर भी आपको मिल सकता है। हर
महीना दो या तीन लोग कम अज कम कार्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिसेशन, ये कोरोना पीरियड में ये सब खत्म हो गया, नहीं, कोरोना में भी हमने 170 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कोरोना में भी हमने बिजनेसेस को डबल ट्रिपल होते देखा है। हर घर में पैसे की अगर मारामारी हो रही है तो हमारे पास पैसा 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 पैसे की बरसात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्यों इतनी पैशनेट हूँ, एक तो हेल्थ भी मिल रही है, एक तो वेल्थ भी मिल रही है, कहाँ से ये सब कुछ आप एक साथ पा सकते हो अंडर वन बैनर, ठीक है? एंड दैट इज, फ्रेंड्स, आई रिमाइंड यू, मोदी केयर। और भूलिएगा नहीं, रेडिएशन इज अ साइलेंट किलर। और दोस्तों, मैंने यही बिजनेस को करके क्या पाया है, मैंने बहुत कुछ पाया है। जैसे मैंने बताया था, 23 आज से 25 साल पहले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, उनको 15 इयर्स का ही समय दे दिया गया था। कुछ समय तो मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस को साथ देने की बड़ी कोशिश की, नाकामयाब रही, कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई एक्सपोजर ही नहीं था, क्या करती मैं, ठीक है? अब मेरे सपने तो थे, अपने बच्चों को लेके बड़े बड़े सपने थे, हमने देखे थे, हमने देखा था, एक ऐसी रोजी पिक्चर थी हमारी माइंड में कि बच्चे बड़े होंगे तो हम ये करेंगे उनके लिए। पर जब मेरे सपनों को तहस नहस होते देख रही थी ना, मैं बहुत परेशान थी। और उसी समय डॉक्टर सुरेखा भार्गव और मिस्टर अरुण भार्गव जी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे मोदी केयर दिया। आज जिंदगी भर मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तो आज मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, मुझे 22 फॉरेन ट्रिप मिल चुके हैं, मैं 3 गाड़ियां मोदी केयर से ले चुकी हूँ, जिसमें किया सेल्टोस GTX प्लस मेरी लेटेस्ट कार है। जस्ट बिफोर द फर्स्ट लॉकडाउन 9 करोड़ के घर में शिफ्ट हुई हूँ। IDSA जो एक गवर्निंग बॉडी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उससे मुझे सम्मानित किया गया था गोल्डन तेलंगाना अवार्ड फॉर माय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, यही नहीं, मान सम्मान तो मिला, सब कुछ मिला, पर जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, मेरे घर में करिश्मा हुआ मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट्स, बहुत अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे पास है, नेचुरल सप्लीमेंट्स है। और ये एनवायरोग्लोब एनवायरोचिप ने करिश्मा कर दिखाया। आज मेरे हस्बैंड को जिन डॉक्टर्स ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में 15 साल का समय दे दिया था, आज फ्रेंड्स 25 साल से मेरे साथ है, नो डाउट थोड़ा आज वॉकर पे चलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैं खुश हूं क्योंकि ये मेरे साथ है, राइट? बहुत चाहती हूँ फ्रेंड्स, और उनकी जिंदगी के लिए और उनके सपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, राइट? थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ, आई नो आई बिकम अ लिटिल इमोशनल, राइट? यस, इट इज एन इमोशनल टच टू माई बिजनेस, ठीक है? क्योंकि मैंने ही नहीं, हजारों लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया है, चेंज आया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ परमजीत जी को। परमजीत जी, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। वाह वाह, वंडरफुल मैम, जबरदस्त, सीरियसली। और आज पता लग गया कि मोबाइल रेडिएशन चिप से हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, साथ के साथ वंडरफुल मैम। सो हमारे बीच में मैम आपके कई चाहने वाले हैं, जो आपको सुन के, आपकी वीडियोस देख के आज सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, और उनके साथ साथ कई लोग जो जुड़ते जा रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले वी प्रकाश राव जी को। सो वी प्रकाश राव जी, ओवर टू यू। थैंक यू परमजीत जी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मेरा नाम वी प्रकाश राव है, मैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में वाटर बोर्ड का चेयरमैन हूँ। दोस्तों, मेरा कुछ साल पहले मेरा थायराइड ग्लैंड को कैंसर आया था, और डॉक्टर बोला ये निकाल देना, बॉडी भी कैंसर प्रोन हो गया। उस दिन से बहुत साल मेरे को नींद नहीं आती थी, बहुत टेंशन स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। सो मैं ढूंढ रहा था कुछ, ये कैसे हम इससे बचाना। कुछ साल बाद शुक्रवार वी प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। घर के बाजू, बिल्कुल घर के बगल में, वहां एक टावर डाले थे, मोबाइल टावर। ये मोबाइल टावर से मेरे को रेडिएशन आया था, जब मेरे को पता चला था। सो बाद में मैं ये एनविरो ग्लोब लिया था। एनविरो ग्लोब लेने के बाद अच्छा नींद आती थी, अच्छा सो जा रहा हूँ, एंड मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया। बाद में मैं ये अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ ले लिया। सुग्रामीन मैडम मेरे को एक्टिव सपोर्ट दे रहे, मेरा बिजनेस एवरी मंथ
30% आगे बढ़ रहे. सो थैंक यू मैडम फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी एंड प्रोटेक्टिंग माय बॉडी फ्रॉम रेडिएशन. थैंक यू सर. सो वेलकम प्रकाश जी, वंडरफुल. थैंक यू मैडम. थैंक यू प्रकाश जी. सो अब मैं नेक्स्ट अपने अजीज दोस्त को बुलाना चाहूंगा, ईशा अरोड़ा जी. सो ईशा अरोड़ा जी, ओवर टू यू. थैंक यू परमीत भैया. मायसेल्फ ईशा अरोड़ा और एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी. आज से 2 साल पहले मैंने भी ऐसे सुग्राबी मैम का एक वेबिनार देखा और वहां पे मुझे एनवायरोचिप और ग्लोब के बारे में पता लगा. और सबसे स्पेशल वहां पे मुझे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा जहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और आज 2 सालों में 2 लाख रुपए की इनकम पे हूँ और मलेशिया का ट्रिप और गोवा का ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ. और फ्रेंड्स, अपने बहुत सारी हाउसवाइफ को अपने साथ बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रही हूँ. तो आप लोग भी इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट ईशा, लवली टेस्टिमनी, ब्यूटीफुल. जोरदार तालियां होनी चाहिए. थैंक यू मैम. वंडरफुल ईशा जी. सो एक और अजीज दोस्त हैं मेरे के, उनको भी बुलाना चाहूंगा, मुकेश जी. सो मुकेश जी, ओवर टू यू. सर, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन ही इज नॉट अवेलेबल. ओके, इट्स ओके सर. सो अब मैं एक और अपने अजीज दोस्त को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर गगन कामरा जी. सो ड्यू टू सम रीजन वो आज आ नहीं पाए, तो उनकी मैं वीडियो आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूं. दोस्तों, मेरा नाम गगन कामरा, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ. मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटक. उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी से. फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर जॉब की हूँ. मैं बच्चा पेड का थे 2006 में, मैं हिमाचल प्रदेश का हेड था बच्चे पेड का. उसके बाद CII में मैं हेड था. उसके बाद मैं रिलायंस जियो में आज से 3 साल पहले पूरे जम्मू का डिवाइस सेल का पूरी सेल करता था. फ्रेंड्स, नौकरी थी तो सैलरी 50-60 हज़ार के आसपास थी. जरूरतें बहुत अच्छे से पूरी और थी, लेकिन सपने हमारे बहुत बड़े बड़े थे जो कि नौकरी में पूरे नहीं हो रहे थे. परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज से करीबन 3 साल पहले हमारी जिंदगी में मोदी केयर आ गया. फ्रेंड्स, हमने मोदी केयर को यस कर दिया. हमने उसके बाद उसको सीखा, समझा और खूब मेहनत से करने लगे. उसका रिजल्ट यह आया फ्रेंड्स कि आज करीबन 3 साल के बाद हम मोदी केयर से 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए मंथली चेक एंजॉय कर रहे. अपने सपनों की गाड़ी महिंद्रा की टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो 18 लाख रुपए की मोदी केयर से अचीव कर चुके. फॉरन के 2 ट्रिप अचीव कर चुके हैं, थाईलैंड पटाया था और मलेशिया था. थाईलैंड हम अकेले नहीं गए थे फ्रेंड्स, हमारी टीम में से 15-16 लोग साथ में गए थे. उसके बाद हमने कितने अचीव कर दिया, रिसेंटली गोवा का ट्रिप अचीव किया और एक ट्रिप आया था बाइक का क्वालिफिकेशन आया था मोटरसाइकिल का, तो हमने वो भी अचीव किया फ्रेंड्स. और हमारी टीम में से 12 लोगों ने वो भी अचीव किया. तो मैं सभी से यही कहूंगा फ्रेंड्स, मोदी केयर को जरूर करें, इसके बारे में सोच विचार मत करें, इसमें आपने सारे सपने पूरे. वाह वाह, वंडरफुल गगन जी. सो मैम, दोबारा से मैं अपनी जो न्यू गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहूंगा. सो सबसे पहले कस्तूरी जी. परमजीत जी. यस मैम. राइट, आज हम एक काम करेंगे, ठीक है, आपके गेस्ट से मिलने से पहले हम उनको कुछ स्पेशल आज दिखाने वाले हैं, ठीक है. आज हम एक डेमो भी दिखाते हैं एनवायरो चिप का, ठीक है. तो चलिए मैं एक वीडियो प्ले करूंगी इस एनवायरो चिप के डेमो का, ताकि सारे लोगों को राइट बहुत अच्छा लगे. मुनीर जी, हम ऑडियो नहीं सुन पा रहे इस वीडियो की. इसमें वॉइस नहीं है. उस क्षमता को हम देखेंगे. कौस्तुभ जी, अपने हाथ फैलाइए. मैं किसी फोर्स, रेगुलर फोर्स के साथ आपको नीचे डालने की कोशिश. अब आ रहा है वीडियो ऑडियो? यस यस मैम. यस सर. सो ये उनकी शारीरिक क्षमता की मुझे रेजिस्ट कर. सो आई स्टार्ट फ्रॉम अगेन. नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आने वाली रेडिएशन हमारे शरीर के लिए कितनी घातक है और एनवायरो चिप उसे किस तरह प्रोटेक्ट करता है, आइए देखते हैं कौस्तुभ जोग जी की मदद से. प्रत्येक शरीर की एक कार्य करने की क्षमता होती है और उस क्षमता को हम देखेंगे. कौस्तुभ जी, अपने हाथ फैलाइए. मैं किसी फोर्स, रेगुलर फोर्स के साथ आपको नीचे डालने की कोशिश करूंगी, आप मुझे रेजिस्ट कीजिएगा. तो ओ वंडरफुल,
सो ये है इनकी शारीरिक क्षमता कि हम जो रेजिस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर ऐसा कोई मोबाइल जिसमें एनवायरो चिप नहीं लगी है वो हमेशा अगर हमारे शरीर के साथ बना रहता है तो देखिए इनकी शारीरिक क्षमता किस तरह से कम 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 होती जा रही है। बस तो जो सेम पोज से मुझे रेजिस्ट कीजिएगा, ओ दिस इज रियली पेन। लेकिन इसी के साथ अगर ऐसा कोई मोबाइल जिसमें एनवायरो चिप लगी हुई है वो अगर हमारे साथ हमेशा बना रहता है तो देखिए इनकी शारीरिक क्षमता किस तरह से रिटेन होती है। Wonderful. तो देखा आपने अगर हम मोबाइल पे इस तरह का एनवायरो चिप हमेशा लगा के रखते हैं तो रेडिएशन से होने वाला हमारे शरीर पे जो नुकसान है जिससे हमारी शारीरिक क्षमता क्षीण होती जा रही है उससे हम बच सकते हैं, अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल की रेडिएशन से एनवायरो चिप की मदद से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल डेमो। ओवर टू यू परम जी। वंडरफुल। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि एक चिप लगा के आप अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। सो मैम इसी के साथ मैं दोबारा से अपने गेस्ट को आपके साथ मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले कस्तूरी जी। सो कस्तूरी जी ओवर टू यू। थैंक यू परमजीत जी। मैडम इट्स रियली वाओ वंडरफुल मैडम, आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा सच में एंड द प्रोडक्ट इज रियली वेरी यूजफुल मैडम रियली। बट मैं आपका गुजारिश मन हूँ मगर मैं इस समय अब तक मैं ये प्रोडक्ट को अब नहीं ले सकती मैडम क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है एंड कोरोना की वजह से आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दिस मैडम। नो प्रॉब्लम कस्तूरी जी, इट्स ओके। आप सारा प्रेजेंटेशन देखी बट डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए राइट पर आप एट द मोमेंट परचेस नहीं कर पा रही है, am I right? Yes. Okay. चलिए कस्तूरी जी हम एक काम करते हैं, अगर आपको ये प्रोडक्ट फ्री में मिल जाए तो कैसा रहेगा? Wow. Great. Right? Done. Right? चलो मैं आपको बताती हूँ। Deal will be done, ma'am. Done deal. Okay. मैं आपको बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? Sure. देखिए हमारे पास आजकल एक ऑफर चल रहा है कि देखिए कोरोना की वजह से ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हमारे रेडिएशंस को बचाने के लिए हम मोदी के हर वो काम कर रहा है ताकि आपकी सेहत सही रहे। तो आप एक काम कर सकती हैं, हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप दो मोबाइल एनवायरो चिप्स खरीदती हैं तो आपको एक फ्री में मिलेगा, ठीक है? तो अब आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप इंश्योरेंस सेगमेंट से हो तो बहुत सारे आपके इंश्योरेंस एजेंट्स भी तो रहेंगे जिसकी पहचान आपकी है, राइट? अगर परमजीत जी और मैं मिलके आपके लोगों से बात करें और हम दो रेडिएशन चिप्स निकालें तो आपको क्या होगा? एक फ्री में मिल जाएगा। हाउ इज दैट? डन डील मैम, वेरी वंडरफुल। ओके ग्रेट। तो परमजीत जी शी इज एक्साइटेड, लेट्स गो एंड टॉक टू हर पीपल और डेफिनेटली इसको एक मोबाइल रेडिएशन चिप फ्री में मिलेगा। ओके थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। यस यस परमजीत, थैंक यू कस्तूरी जी। सो नेक्स्ट गेस्ट को मैं बुलाता हूं, जसप्रीत जी। सो जसप्रीत जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच परमजीत जी एंड वाओ वाओ मैम, बहुत ही बढ़िया आज का आपका सेशन था जो आपने रेडिएशन के थ्रू जो हमें हार्मफुल जो हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो सेशन आपका बहुत जबरदस्त था मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। राइट एक बात बताइए परमजीत जी, आपको इस सेशन से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? आपको हमारे ये प्रोडक्ट पसंद आए या अपॉर्चुनिटी पसंद आई या पैसा पसंद आया? मैम आपके जो प्रोडक्ट आपने इन्वायरो ग्लोब के बारे में बताया ना वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि जैसे आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे मोस्टली क्या है घर पे ही है, तो मेरी भी 7 साल की गुड़िया है तो वो मोस्टली क्या करती है टीवी देखती है, फोन देखती है, जहाँ आजकल जैसे घर पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जूम के ऊपर। तो आज मैं शॉक्ड हो गई भी जो भी चीजें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जैसे हम आपने सही बोला बच्चे खेलना नहीं चाह रहे तो हम फोन पकड़ा देते हैं भी हाँ ये बिजी हो गया, लेकिन वो जो रेडिएशन उनके थ्रू उनको बॉडी को हार्मफुल कर रही है वो बहुत ही मतलब खतरनाक है बॉडी के लिए। तो मेरे को सबसे बढ़िया आपका जो है वो इन्वायरो ग्लोब लगा इस टाइम पे, क्योंकि मेरे घर पे भी एक छोटा बच्चा है तो वो मैं डेफिनेटली आपसे जो है वो लेना चाहूंगी। लेकिन उसका जो मैम प्रोसीजर है जैसे हमने कैसे उसको परचेज कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहेगा मैम? चलिए बहुत अच्छी बात है जसप्रीत जी, आप एक काम करिए, आपको तो एनवायरो ग्लोब चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो आप ना हमारे कंज्यूमर बन जाइए,
आप कंज्यूमर बनोगी तो अब एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें एनवायरो ग्लोब पे आपको एक एनवायरो चिप फ्री मिल जाएगा, राइट तो आपका एक सोने पे सुहागा एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी हो जाएगा। आप कंज्यूमर बनोगी, आप एक आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दोगी परमजीत को तो आप यू नो हमारे कंज्यूमर लिस्ट में आ जाओगी। और मोदी केयर में सिर्फ मैं जैसे मैंने बताया ये एनवायरो ग्लोब एनवायरो चिप नहीं है, 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, 650 SKUs है जो आप सुबह से लेके सुबह तक आप यूज कर सकती हैं, राइट तो आप एक काम करिए आप हमारे कंज्यूमर बन जाइए, आप इन ऑफर्स को अवेल करिए, फ्री प्रोडक्ट्स को अवेल करिए जो मैंने आप लोगों को लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में बताया था जहाँ पे आप यू नो 120% तक का फ्री प्रोडक्ट आपको हर सातवें महीने में मिल सकता है, ये भी आप अवेल कर सकती हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट सजेशन, आपको कैसा लगेगा? यस मैम बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अगर इन्वायरो ग्लोब के साथ मुझे चिप भी मिल रही है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उससे भी हम रेडिएशन से बच सकते हैं। एब्सोल्युटली डेफिनेटली मैम आपकी मैं कंज्यूमर जरूर बनना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, तो आप एक काम करिए परमजीत को आपके सारे डिटेल्स दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और परमजीत जी आपकी हेल्प कर देंगे। ओके ओवर टू परमजीत जी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं एक और गेस्ट को बुलाना चाहूंगा, समझ जी। सो समझ जी ओवर टू यू। थैंक यू परमजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम शेख समर है, मैं HSC प्रैक्टिशनर हूं और टीचिंग करता हूं सेफ्टी। मैडम आपने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट का डेमो दिया है, मैं इसे प्रोडक्ट को सर्च कर रहा था, बरसों से सर्च कर रहा था क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूं और बच्चों को जो मेरे सेंटर्स में पढ़ाता हूं। इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखा जो कि रेडिएशन से बॉडी को प्रोटेक्ट करे हार्मफुल रेडिएशन से। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन से दैट मैं तो इमीडिएटली लेना चाहूंगा इसको और मेरे ऑफिस में मेरे घर पे भी लगाना चाहूंगा बच्चों को मेरे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके सारे जो फीचर्स आपने लैपटॉप और एनवायरो ग्रुप के बताया मैडम अमेजिंग फीचर्स। मैंने सारे थ्योरी पढ़े थे और प्रैक्टिकल जो डिवाइस आपने बेहतरीन डेमो के साथ बताई है अभी देख के मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने सारे सेंटर्स में इसको अप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अपने आप को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके इमीडिएटली। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम वेलकम वेलकम, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे, राइट डेफिनेटली हम चाहेंगे ये सारे प्रोडक्ट आपके स्टूडेंट्स और आपकी फैमिली यूज करे सर, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको सिर्फ ये एनवायरो ग्लोब एनवायरो चिप ही अच्छा लगा या हमारे साथ हमारी अपॉर्चुनिटी अर्निंग कैपेसिटी और पैसा अच्छा लगा, फॉरेन ट्रिप्स अच्छे लगे या आपको जो कार्ड्स फ्री में मिलती है वो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको इसमें से बेस्ट क्या लगा? मैडम सही बात सच बताऊं तो हर चीज रिकॉग्निशन इसके यहाँ पर हमने अभी आपने जो बताया कि अपॉर्चुनिटीज है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है लाइफ टाइम में। मैं चाहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आपके साथ जुड़ते हुए कुछ ना कुछ ने अपना जो है ना अपने अधूरे सपनों को मेरे अपनों के साथ पूरा करना चाहूंगा मैं। श्योर 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 समझ भाई, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, राइट। तो समझ भाई एक काम करते हैं, आप चाह रहे हैं कि ये एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब्स आप अपने पूरे स्टूडेंट्स में प्रमोट करें, तो ये टाइम ऑफर्स का चल रहा है। अब आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं या नॉर्मल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं? डेफिनेटली फास्ट ग्रोथ जाऊंगा मैं। तो चलिए, क्या आप अपने एक यू नो आप अपने स्टूडेंट्स वगैरह के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप एक फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम हमारा है जिससे आपको ना 1200 रुपीज का एडिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको मिल सकता है बिसाइड्स ऑल दी ऑफर्स दैट आई स्पोक टू यू अबाउट, ठीक है। इसमें आपको अगर दो मोबाइल रेडिएशन चिप्स लेते हैं तो एक फ्री है, फिर उसके बाद 6 लेते हैं तो आपको 2 फ्री है, और अगर आप एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो एनवायरो चिप आपको फ्री है। ये सारा कुछ के साथ साथ आपको 1200 रुपए का एडिशनल प्रोडक्ट भी मिल सकता है। इसके बारे में आप परमजीत जी से बात करिए और हम यू नो सिंस यू वांट टू स्टार्ट इट सून, ठीक है, आपको सक्सेस जल्दी चाहिए, तो क्या हम एक आप चाहते हैं कि अर्निंग आपके फैमिली मेंबर्स को आपके रिश्तेदारों को मिले, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं अर्निंग से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहोगे? दिखाना चाहोगे। तो एक बात बताइए, आप कब से शुरू करना चाहोगे, कल या परसों? कल ही करते हैं। कल करते हैं, अच्छा, सुबह 11 बजे या शाम 6 बजे?
मॉर्निंग से 11 o'clock. 11 o'clock. अच्छा, तो अब एक काम करते हैं समित जी, हम ना परमजीत जी से बात करके एक आपके लिए इनवाइट बना देते हैं, ठीक है? उसका कैप्शन रखेंगे, आर यू एलर्जिक टू मनी, राइट? तो आर यू एलर्जिक टू मनी के कैप्शन के साथ आपको एक इनवाइट बना दिया जाएगा और आपको वो भेज दिया जाएगा. आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ऐसी ही जूम की वेबिनार पे बुला लीजिए कल 11 बजे, राइट? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम बताएंगे जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, होम बेस्ड है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, सपोर्ट है, ट्रेनिंग अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात आपके सपनों को पूरा कर सकती है. तो चलिए परमजीत जी, आपने आज बहुत अच्छा सेशन किया है, राइट? समझ जी से बात करिए, कस्तूरी मैम से बात करिए, जसप्रीत जी से बात करिए, राइट? और समझ जी को इनवाइट भेजिए और हम कल 11 बजे मिलेंगे आर यू एलर्जिक टू मनी में, राइट? विद दिस लेट मी हैंड इट बैक टू यू परमजीत, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम. एंड आज का जो सेशन था वंडरफुल, जबरदस्त है, और वाकई आज आपने बता दिया कि हम अपनी फैमिली को और अपने आप को कैसे इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट रख सकते हैं. और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं कल के सेशन के लिए. और समर जी, जसप्रीत जी और कस्तूरी जी, हम तो आएंगे ही आएंगे और अपने साथ मैक्सिमम न्यू गेस्ट लेके आएंगे. आर यू एलर्जिक टू एक्स्ट्रा इनकम? सो दोस्तों, कल दोबारा मिलते हैं 11 बजे सुबह. सो एक्साइटेड एंड बी रेडी. सो विद दिस, थैंक यू सो मच.